है और ये बात समझ भी आती है। नहीं, आप किसी भी ग्राउंड में चले जाएं, आपके ग्राउंड जो है ना अंडर यूटिलाइजेशन है, उसको पूरी तरह यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। अगर दुनिया पाकिस्तान अगर देखें ना आप, अगर स्पोर्ट्स बोर्डों के हिसाब से मैं देखूँ ना, तो पेशावर स्पोर्ट्स बोर्ड के पास सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। पेशावर के पास सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी है किसी भी लिहाज से वो इतनी क्वालिफाइड नहीं है। और ये गोल्फ के लिए तो बड़ा काम करना पड़ेगा, अगर आपके पास कोचेज नहीं है ना तो आपको यूथ लेवल से, और मेरा तो ख्याल है किड गोल्फ होती है हमारे पाकिस्तान में, है जी, किड्स गोल्फ जूनियर कह सकते हैं, किड्स तो किड्स होती है, लेकिन मसला ये है ना किड्स में, मसला ये है कि बहुत सारे समर कैंप में बड़े बच्चे आ जाते हैं बिटवीन द एजेस 5 और 10, ठीक है ना, पर जो ही स्कूल खुलते हैं वो बच्चे बस गायबी हो जाते हैं। क्योंकि मुश्किल ये है कि भी बच्चों को अगर दो चार हफ्तों में अगर अच्छी शॉट मारनी आ जाए, अच्छा पट करना आ जाए, या अच्छा उसका रिजल्ट आ जाए, तो मेरा ख्याल है बच्चा बाकी आएगा। नहीं, बच्चा तो आएगा ना, लेकिन पेरेंट्स की प्रायोरिटी हो जाती है पढ़ाई। हाँ, अच्छा तो यार वो तो अब स्कूल खुल गया है, अब ना नो स्पोर्ट्स, अब तुम पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लेके पास हो जाओ, ठीक है ना। एक मतलब क्योंकि छोटे बच्चे जो है ना अनअकंपनीड नहीं आते। हाँ, मतलब वो तो है। खोकर हाँ। के बेटे बड़े अच्छा खेल रहे हैं, आयन खोकर के तीनों बेटे कहीं ना कहीं मतलब जीत जाते हैं एमेच्योर। लेकिन मेरे ख्याल में खाया साहब, ये जो आपका ये हमारा अजीज फैमिली वाले थे, इन्होंने जो प्रोफेशनल ज्वाइन किया क्या ठीक किया था? हाँ जी, ये जो इन्होंने एक बच्चे ने ज्वाइन किया था कुछ ठीक किया था? देखिए सर, अल्टीमेट टारगेट तो वही है ना कि आपने मतलब को मतलब अच्छा जी, अब ये जो लोग हैं ना, ये हमारे खेल रहे हैं, शफीक भट्टी साहब हैं, ब्रिगेडियर वसीम हैं और कर्ल मैदी हैं। अच्छा ये जो है ना, ये सीनियर एमेच्योर कैटेगरी पे आ गए हैं हम। कर्नल मैदी, ये हाँ जी कर्नल मैदी साहब जो है ना, ये बहुत खिलाड़ी है भैया, और ये प्लस 6 खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं मिलिट्री गोल्फ चैंपियनशिप। अच्छा 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 अच्छा, फिर तो आपकी यादें ताज़ा। ये शफीक भट्टी साहब आए हैं, नाम माशाल्लाह। शफीक भट्टी साहब इज वेरी वेरी कीन गोल्फर, यू नो व्हाट यू कॉल। इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। कर्नल मैदी जो है ना, वैसे तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो बहुत सारे गोल्फर्स को वापडा में जो है ना प्रोफेशनल गोल्फर्स को नौकरियां दिलवाई हुई हैं। मैदी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहिए जी। नहीं, मैदी साहब को तो अपलॉड करना चाहिए मैं बड़ा, मतलब नाम के इन अ गुड वे। ये जो जी बना हुआ है ना, ये एरिया, ये जो पानी में बॉल जाए ना, या जो आपका वो ला के फिर इधर ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप, ये ड्रॉप एरिया बना हुआ है, इसको कहते हैं ड्रॉप एरिया। ड्रॉप एरिया, ये ड्रॉप एरिया वो, क्योंकि वो बारीक, इसको ड्रॉप एरिया को बड़ा इंजर्ड लग रहा है मुझे, बड़े खड्डे आप काफ़ी मतलब रफ हुआ हुआ, पता नहीं क्यों किसी ने मेरा ख्याल इस पर एफर्ट नहीं की, करनी चाहिए कोई। ये पहला पॉइंट नज़र आया है मुझे जिस पे काम नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है, वर्क वो बड़ा पक्की बात है, बड़ी ही मेहनत करते हैं, मतलब और बड़ा सुकून से खेलता है, बड़ा पेशेंट है इनमें, और हो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, आउटस्टैंडिंग। और बकायदा इन स्पाइट ऑफ हिज एज, यू नो व्हाट यू कॉल, प्रैक्टिस बड़ी करता है। डेफिनेट। और इस वक्त बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा। राइट नाउ इस वक्त ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पंजाब गोल्फ एसोसिएशन के, और वहाँ भी ये बड़े पॉजिटिवली बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये ब्रिगेडियर वसीम है, मैंने पहली दफा देखा है, ये तो उधर आ गया ना अब।